हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। गाने की ये लाइन, नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते हम औरों के मुंह की रोटी खा जाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। आपने जरूर सुनी होगी, ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है बल्कि प्राचीन संस्कृति वाले हमारे देश का हमेशा से यही मूल मंत्र रहा है। भारत की आजादी के महज 3 साल बाद ही कोरिया युद्ध के समय भारत को 2 खेमों में से एक को चुनने की नौबत आई, तो अपने देश ने शांति और सहायता का रास्ता चुना। दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने 1950 के कोरियाई युद्ध के बीच ऐसा काम किया कि कोरिया के लोग आज भी भारतीय सैनिकों को फरिश्ता मानते हैं। आखिर भारतीय सैनिकों ने कोरियाई युद्ध के समय ऐसा क्या किया था, चलिए कोरियाई युद्ध और उस समय की घटनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से आज के वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। 25 जून 1950 से डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दक्षिण कोरिया के पक्ष में थे, वहीं उत्तर कोरिया के ऊपर सोवियत यूनियन और चीन की कम्युनिस्ट ताकतों का हाथ था। ये युद्ध उस समय एक बड़ी मानवीय आपदा के रूप में सामने आया था जिसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में कम से कम 25 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर जमकर बम बरसाए, वहीं उत्तर कोरिया के साथ चीन और सोवियत संघ की सेना साथ थी। ये युद्ध बिना किसी फैसले के लंबा खिंच रहा था। ये युद्ध 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर के बाद रुक गया। युद्ध शुरू होते ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव ट्रिग्वे लाई ने प्रस्ताव के अनुसार आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए सैन्य मदद भेजने की गुजारिश की। अमेरिका के साथ 15 अन्य देशों ने दक्षिण कोरिया को मदद करने के लिए अपनी सेना भेजी। भारत से भी सैन्य मदद भेजने की गुजारिश की गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का मानना था कि कोरियाई युद्ध में भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना गलत होगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार के लिए भारत ने 31 जुलाई 1950 को संसद का एक विशेष सत्र बुलाया। भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से तय किया कि युद्ध में भारत अपने सैनिक भेजेगा, लेकिन ये लड़ाकू सैनिक नहीं बल्कि मेडिकल टीम भेजेगा जो युद्ध में घायल सैनिकों और नागरिकों का इलाज करेंगे। ये आजादी के बाद विदेशी धरती पर अपनी तरह का पहला मिशन था। भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस भेजी। 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रंगराज ने की। वो देश के पहले पैरा ट्रूपर थे। भारतीय दल ने कोरियाई ऑपरेशन को बखूबी संभाला, जिसकी तारीफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खूब हुई। दक्षिण कोरिया पहुंचते ही कर्नल रंगराज का सामना भीषण रक्तपात से हुआ। चारों लाशें बिखरी थी और घायलों की चीख दिल दहला रही थी। ऐसे में कोरियाई युद्ध में मेडिकल हेल्प की बहुत जरूरत थी। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल एजी रंगराज की अगुवाई में उनकी 300 सदस्यों वाली टीम ने अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से अंजाम दिया। कर्नल रंगराज ने घायलों की देखभाल के लिए फील्ड हॉस्पिटल बनवाया, जिसे MASH यानी मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल कहा जाता है। जब भारतीय मेडिकल टीम वहां पहुंची थी तो वहां के खौफनाक मंजर में यातायात सुविधा भी नहीं मिली। भारतीय दल ने सूझबूझ से काम लिया और पुराना भाप से चलने वाला एक इंजन खोज निकाला। कर्नल रंगराज ने बकेट ब्रिगेड बनाई जो इंजन के बॉयलर में लगातार पानी देती रही। 2 सैनिकों ने ट्रेन चलाई और मेडिकल टीम अपने सभी उपकरण के साथ वहां से निकल गई। अपने पूरे अभियान के दौरान भारतीय चिकित्सा दल हर वक्त घायलों के साथ खड़ा रहा। जब भी सैनिकों को जरूरत पड़ी उनका उपचार किया गया। अमेरिका ने मार्च 1951 में अपने पैराशूट रेजिमेंट के 4000 सैनिकों के साथ टॉमहॉक ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें पैराशूट के जरिए युद्ध क्षेत्र तक पहुंचना था, इसके लिए पैरामेडिकल टीम की भी जरूरत थी और भारतीय दल इसमें माहिर था। कर्नल रंगराज ने खुद आगे बढ़कर कहा कि उनकी टीम मिशन के लिए तैयार है। टॉमहॉक ऑपरेशन में भारतीय दल के 12 लोग गए। जैसी आशंका थी, लैंडिंग खूनी हुई, कई जवानों ने दम तोड़ दिया, कई घायल हो गए। बाद में एक अमेरिकी कमांडर ने उस वाकये के बारे में बताया, मैं भारतीय दल की कुशलता देखकर हैरान रह गया। उनकी छोटी सी टीम ने 103 ऑपरेशन किए और 50 जवानों की जान बचाई। 2 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के दौरान कर्नल रंगराज और उनके साथियों ने सिर्फ बिस्किट और चाय के सहारे गुजारा किया था।
भारतीय दल ने कोरिया मिशन के दौरान मानवता की मिसाल कायम की। उसने संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों का इलाज तो किया ही, उनके एक टुकड़ी ने उत्तर कोरिया के सिपाहियों और उसके नागरिकों की भी जान बचाई। कर्नल रंगराज की टीम घायलों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकी। उन्हें जून 2052 में अपने 6 साथियों को भी गंवाना पड़ा, जो खराब मौसम और दुश्मनों के अंधाधुंध हमले में फंस गए थे। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेडिकल दल कोरिया में रहे, उनमें से कोई भी 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाया, लेकिन कर्नल रंगराज की अगुवाई वाली टीम वहां 4 साल तक रही। 4 साल में इस यूनिट ने 1000 से ज्यादा सर्जरी की और करीब 2,00,000 घायलों का उपचार किया। कोरियाई डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग भी दी। कोरिया में लोग भारतीय दल को मैरून एंजल्स कहकर बुलाने लगे, यानी मैरून टोपी वाले फरिश्ते। ऑपरेशन टॉमहॉक में शामिल 12 भारतीय सैनिकों को अमेरिका का US पैराशूट विंग खिताब मिला। ब्रिटेन ने हाउस ऑफ लॉर्ड यानी ब्रिटिश संसद में भारतीय यूनिट की तारीफ की। भारत लौटने पर 10 मार्च 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कर्नल रंगराज की टीम को प्रेसिडेंट ट्रॉफी से सम्मानित किया। भारतीय इतिहास में इससे पहले या इसके बाद ये सम्मान किसी को नहीं मिला। इस यूनिट को 2 महावीर चक्र और 7 वीर चक्र से नवाजा गया। दक्षिण कोरिया ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया है कि कर्नल रंगराज और उनकी टीम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसने साल 2019 में कर्नल रंगराज को वॉर हीरो के खिताब से भी नवाजा है। भारत ने कोरियाई मामले में कई तरीके से मदद की। युद्ध विराम के लिए बने न्यूट्रल नेशंस रिपार्टिशन कमीशन यानी NNRC के चेयरमैन भी भारत से थे। NNRC की अध्यक्षता जनरल KS थीमैया ने की थी। भारत ने युद्ध बंदियों की देखरेख के लिए इंडियन कस्टोडियल फोर्स भी भेजी थी, जिसकी अगुवाई SP थोराट ने की थी। इस भीषण युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की मदद से कई बार समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन मामला बार बार बॉर्डर के मुद्दे और युद्ध बंदियों के मसले पर अटक जाता था। कई राउंड की बातचीत के बाद बॉर्डर का मसला हल हुआ। दोनों देशों के बीच 1945 वाली सीमा रेखा ही तय हुई, लेकिन युद्ध बंदियों का मामला अभी भी अटका हुआ था। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के 1,70,000 सैनिकों को बंदी बना रखा था। समझौते के तहत इन युद्ध बंदियों की अदला बदली जरूरी थी, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। उनका कहना था कि कई सैनिक चीन और उत्तर कोरिया वापस नहीं जाना चाहते, ऐसे में वो जबरदस्ती उन्हें कम्युनिस्ट सरकार को नहीं सौंप सकते। जिसके बाद भारत ने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए संयुक्त राष्ट्र के NNRC कमीशन बनाई गई थी, जिसमें 5 देश शामिल थे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की तरफ से स्वीडन और स्विट्जरलैंड, वहीं उत्तर कोरिया, रूस और चीन की तरफ से पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। भारत 5वें देश के रूप में इस आयोग की अध्यक्षता कर रहा था। इस आयोग ने मई 1952 में ऑपरेशन लिटिल स्विच चलाया, जिसमें दोनों खेमों में घायल हुए युद्ध बंदियों की अदला बदली की गई। लेकिन इनमें कई ऐसे थे जो अपने देश लौटना नहीं चाहते थे। काफी मनाने के बाद अंत में 22,000 सैनिक अपने अपने देश लौटे। फिर भी 88 अमेरिकी सैनिक ऐसे थे जो वापस अपने देश नहीं लौटे। आखिर में इन्हें भारत लाया गया, जिनमें से कई भारत में बस गए। कोरिया युद्ध में सेना न भेजने और भारत के द्वारा किए गए कार्यों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कद वैश्विक स्तर पर ऊंचा हो गया। उन्हें दुनिया में मानवतावादी और शांतिप्रिय नेता के तौर पर देखा जाने लगा। दोस्तों, जिस कोरिया युद्ध के चलते भारत को पूरी दुनिया में वाहवाही मिली, आखिर उस युद्ध के पीछे की क्या कहानी है, चलिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में कोरियाई साम्राज्य पर कब्जे के लिए रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जापान की जीत हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही कोरिया भी उसके हाथ से निकल गया। कोरिया पर सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का कब्जा था। शीत युद्ध के बीच ये तय हुआ कि दोनों कोरिया को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। अगस्त 1945 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 2 देश बने, जिसमें उत्तर कोरिया का हिस्सा सोवियत संघ को दिया गया, वहीं दक्षिण कोरिया अमेरिका के हिस्से में गया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल सुंग ने 1950 में दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। इस युद्ध में चीन और रूस का हाथ उत्तर कोरिया के साथ था। चीन में माओ की जीत के बाद 50,000 सैनिक उत्तर कोरिया के पक्ष में लड़ाई करने चले गए। इधर दक्षिण कोरिया कमजोर स्थिति में था, जिसके बाद अमेरिका ने इस युद्ध के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कराया और अपने मित्र देशों को दक्षिण कोरिया का साथ देने के लिए सेना भेजने को कहा। जब युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो भारत वोटिंग से एब्सेंट रहा, क्योंकि भारत सिर्फ शांति के साथ था। इसलिए भारत ने अपनी शांति सेना के रूप में मेडिकल टीम भेजी, जिसने वहां पर कमाल का काम किया, जिसे आज भी दुनिया याद रखती है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को भी आने वाले समय में किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए था, या फिर भारत को हमेशा शांति के लिए प्रयास करना चाहिए?
अपनी राय कमेंट में जरूर देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।